अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले नजर डालते हैं नांदेड़ कोरोना अपडेट की तरफ। सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर भूसीकर ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आज शाम कोरोना वायरस के मजीद 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से एक का ताल्लुक रहमत नगर से है, जबकि 2 पीर बुरान नगर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं। रहमत नगर के मर्द मरीज की उम्र 36 साल है और पीर बुरान नगर से ताल्लुक रखने वालों में एक 2 साल की उम्र का लड़का है और एक 7 साल की लड़की शामिल है। इस तरह नांदेड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जुमला तादाद 326 हो गई है। इनमें से 14 मरीजों की मौत हो चुकी है और 248 मरीज सेहतयाब होकर घर चले गए हैं। 64 मरीज देर इलाज है। आज दिन भर में 95 नमूनों की रिपोर्ट मिली है, इनमें 5 पॉजिटिव और 81 रिपोर्ट निगेटिव है। आज मजीद 90 अफराद के स्वैब के नमूने जांच के लिए हासिल किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कल शाम तक मिलेंगी। प्रेस नोट में ये भी बताया गया है कि औरंगाबाद में जेर इलाज 3 मरीज सेहतयाब होने से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जेर इलाज 64 मरीजों में से 6 की हालत नाजुक है, इनमें 2 खवातीन और 4 मर्द शामिल है। आज पाए जाने वाले पॉजिटिव मरीजों के बाद पीर बुरान नगर में मरीजों की तादाद 6 हो गई है, इनमें से 2 का इंतकाल हो चुका है, जबकि रहमत नगर में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 4 हो गई है, जो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जेर इलाज 64 मरीजों में से 12 मरीज सरकारी अस्पताल नांदेड़ में, 48 मरीज पंजाब भवन कोविड केयर सेंटर में, 3 मरीज औरंगाबाद में और 1 मरीज शोलापुर में जेर इलाज है। अस्सलामुअलैकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।